So very welcome to all of you in the Knowledgest. I am Kirandeep Garg and today we will discuss basically regarding RRB. जैसे कि आप सभी को पता है कि RRB का एग्जाम आ चुका है. RRB का एग्जाम बेसिकली आपका अगस्त और सितंबर के मंथ में होगा. तो हमारा जो अभी एक सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो बेसिकली RRB 2021 के लिए स्पेशली सीरीज होगी. और जो मेरी ये सीरीज होगी वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर होगी. और बेसिकली मैं सीरीज जो टारगेट करूंगा वो आपका RRB स्केल 2 और स्केल 3 को टारगेट करूंगा. क्लियर? तो जो ये आज का मेरा सेशन है, पार्ट वन है मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का. ये मैं आपके साथ शॉर्ट शॉर्ट सेशंस की फॉर्म में आपके साथ 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे ऑन डेली बेसिस. और पूरा लेक्चर हम आपका ऐप के ऊपर अवेलेबल है, नॉलेजिस्ट के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है. क्लियर? नॉलेजिस्ट के द्वारा एक आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाती है. उस टेस्ट सीरीज के लिए आपको test.knowledgest.in के ऊपर विजिट करना पड़ेगा. क्लियर? उसमें ऐसा जो आपका लेटेस्ट लेवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अपडेटेड कंटेंट आ रहा है, वो हम सारा का सारा आपका टेस्ट सीरीज की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. क्लियर? टोटली अपडेटेड कंटेंट है. लेटेस्ट आपका जिस लेवल का पेपर आ रहा है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके लिए आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं, KD10. क्लियर? आप ये KD10 कोड यूज करके आप 10% और डिस्काउंट पा सकते हैं. क्लियर? तो आप ये वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं. और इसके साथ ही हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है. तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट हो सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर के मंथ में आएगा, तो हमें एटलीस्ट जनवरी से हमारा बैंकिंग अवेयरनेस के कंटेंट कवर करना स्टार्ट करना चाहिए. क्लियर? क्योंकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. और जैसे कि हमें पता है कि थोड़ा सा मुश्किल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करना होगा यहाँ पर. तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है. विच बैंक पार्टनर्ड विद टाइड इंडिया प्लेटफॉर्म. एक कौन से बेसिकली किस रिगार्डिंग पूछ ले, जो मार्च 2021 में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. विच बैंक पार्टनर्ड विद टाइड इंडिया प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट्स फॉर द स्मॉल एंड मीडियम कस्टमर्स ऑफ टाइड इंडिया. कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, टाइड इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ, टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट्स की आप बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करो टू फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर्स ऑफ टाइड इंडिया. आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शन आते हैं, DCB बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक और साउथ इंडियन बैंक. तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और इसके बाद देखो आपने आंसर कैसे करना है, पॉज करके आज सोचना है और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताना है. क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं इसका आंसर क्या है. करेक्ट आंसर आ जाता है इसका RBL बैंक. क्लियर? RBL बैंक. सो एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर मैं छोड़ रहा हूं, RBL बैंक की फुल फॉर्म क्या है. क्लियर? RBL बैंक की फुल फॉर्म क्या है. जो ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जैसे कि आप सभी को पता है 26 जून को बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर का भी एग्जाम है, तो ये सारे क्वेश्चन वहां पर भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं. क्लियर? तो आप लोग कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स देखते रहिए और सभी लेक्चर्स के अपडेट के लिए आप नॉलेजिस्ट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए. क्लियर? सो हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो RBL बैंक बेसिकली प्राइवेट सेक्टर लैंडर कोलेबरेटेड विद यूके बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फिनटेक. क्लियर? जो RBL बैंक है इसने एक यूके बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनी के साथ टाई अप करा है जिसका नाम है टाइड प्लेटफॉर्म लिमिटेड टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लियर? बेसिकली किसके लिए, टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू टाइड इंडिया प्लेटफॉर्म विच इज फोकस्ड टू सर्व मेनली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. टाइड इज बेसिकली द फर्स्ट मार्केट आउटसाइड द यूके इन इंडिया ड्यू टू इंडियाज वास्ट SME पॉपुलेशन. अंडर दिस टाई अप RBL बैंक विल प्रोवाइड ऑप्शन फॉर द SMEs टू ओपन करंट एंड सेविंग अकाउंट. क्लियर? बेसिकली इसके अंडर RBL क्या प्रोवाइड करेगा, किनको, बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, कि आप करंट या सेविंग अकाउंट हमारे साथ
ऑपरेट करिए, क्लियर? तो इसका आंसर आ जाता है हमारा आरबीएल बैंक। होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्लियर, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB विल ऑफर द मोबाइल ऐप एंड लिंक्स। इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अपनी एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है एंड लिंक्स टू इट्स कस्टमर अंडर इट्स रिसेंटली पार्टनरशिप विद एन स्टोर टेक्नोलॉजी। उस बैंक ने रिसेंटली एन स्टोर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, और ये कब के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, मार्च 2021 में जो हुआ है। आपके स्क्रीन के ऊपर पांच ऑप्शन आते हैं। पहला आता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेकंड आता है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड आ जाता है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फोर्थ आ जाता है जना लक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिफ्थ आ जाता है आपका सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्लियर? तो इनमें से आपका आंसर क्या आएगा वो हमने देखना है, क्लियर? तो आप एक बार अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके बाद हम आपका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद एन स्टोर टेक्नोलॉजी, क्लियर? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद एन स्टोर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू डिजिटाइज ऑफलाइन रिटेलर्स एंड स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। बेसिकली व्हाई टू डिजिटलाइज स्मॉल, बेसिकली टू डिजिटलाइज ऑफलाइन रिटेलर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। सो अंडर दिस कोलैबोरेशन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक विल ऑफर द मोबाइल एप्लीकेशन, क्लियर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक विल ऑफर द मोबाइल एप्लीकेशन एंड लिंक्स टू इट्स करंट अकाउंट होल्डर्स हु ओन लोकल बिजनेस एंड इनेबल देम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, क्लियर। बेसिकली थ्रू दिस दे विल एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। डिजिटल बैंकिंग सर्विसेस लाइक मर्चेंट क्यूआर, करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर आल्सो अवेल्ड बाय बिजनेस एंटिटीज, क्लियर, आर आल्सो अवेल्ड बाय दीज बिजनेस एंटिटीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू लिमिट द मार्केट शेयर, क्लियर, टू लिमिट द मार्केट शेयर ऑफ डोमिनेंट यूपीआई एप्स, क्लियर, टू लिमिट द मार्केट शेयर ऑफ डोमिनेंट यूपीआई एप्स NPCI, बेसिकली NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ लिमिट ऑफ डैश परसेंट इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन, क्लियर, इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय एन ऐप, क्लियर, दैट कैन बी हैंडल्ड बाय एन ऐप which needs to be attained by the end of year 2022, clear, which need to be retained by the end of the year 2022. One is 40%, second is 15%, third is 20%, four is 30%, clear. Basically to limit the market share of dominant UPI apps, NPI ने कितने परसेंट लिमिट सेट करी ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय एन ऐप, और वो उस टारगेट को कब तक उन्होंने अचीव करना है, 2022 तक, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास, 30%, क्लियर, 30%। सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज डिफाइंड इट्स गाइडलाइंस एंड एक्सेप्शंस ऑन द 30% मार्केट कैप ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन फॉर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स, क्लियर, बेसिकली फॉर विच आर बेसिकली फॉर थर्ड टीपैप TPAP थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स टू लिमिट द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन पर कस्टमर विच नीड टू बी अटेन्ड बाय द एंड ऑफ ईयर 2022। फोन पे एंड गूगल पे, क्लियर, फोन पे एंड गूगल पे
अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ ओवरऑल ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। क्लियर? बेसिकली जो दिसंबर 2020 में जितनी ट्रांजेक्शन हुई है आपकी यूपीआई ट्रांजेक्शन, उसका 80% बेसिकली आपका फोन पे और गूगल पे के थ्रू हुआ है यूपीआई ट्रांजेक्शन का। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द अप्रैल 2021 प्रोवाइडेड अ टोटल ऑफ 1.5 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, 1.11 लाख करोड़ टू इंडिया फॉर टैकलिंग COVID-19। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिसने 1.5 बिलियन डॉलर इंडिया को प्रोवाइड करा है कोविड से बचने के लिए, कोविड का मुकाबला करने के लिए? आपके स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर आ जाता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? सो द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB रिलीज्ड ऑन 27th April 2021 showed that ADB provided $1.5 billion, approximately 1.11 lakh crore to India in supporting the response of tackle COVID-19. Clear? Basically, to India in support the response to tackle COVID-19. Now move to the next question, question number fifth, very very important question. जैसे कि हमने पहले भी नियो बैंकिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो उसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्वेश्चन है। विच बैंकिंग कंपनी, क्लियर, विच कंपनी, क्लियर, विच कंपनी पार्टनर्ड विद फेडरल बैंक, कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है फेडरल बैंक के साथ? तो आपके लिए क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोग बताइए। विच कंपनी पार्टनर्ड विद फेडरल बैंक टू लॉन्च अ न्यू बैंकिंग ऐप, क्लियर, उन्होंने कौन सी ऐप चलाई है, FI फॉर द सैलरीड मिलीनियम्स, क्लियर, फॉर द सैलरीड मिलीनियम्स मिलीनियम्स। तो आपके पास 5 ऑप्शन आती है, फ्री चार्ज फोन पे, मोबीक्विक, गूगल पे, अमेजोन पे। तो इनमें से कौन सी कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप करा बेसिकली फेडरल बैंक ने एक आपकी नियो बैंकिंग ऐप के लिए, FI के लिए? तो इसका आंसर क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर आ जाता है आपके स्क्रीन के ऊपर जो मैंने दिखा भी रखा है, गूगल पे। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाता है, गूगल पे। क्लियर? सो गूगल पे पार्टनर्ड विद फेडरल बैंक, क्लियर, गूगल पे पार्टनर्ड विद फेडरल बैंक टू लॉन्च न्यू बैंकिंग ऐप FI फॉर द सैलरीड मिलियंस। फेडरल बैंक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके MD और CEO कौन है, श्याम श्रीनिवासन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर, अलुवा केरला में। बच्चे अलुवा आपका कहां पर आ जाता है, कोचीन में आ जाता है। क्लियर? अगर आप कोची की तरफ जाते हो, केरला में जाते हो, तो आपको जगह जगह वहां पर फेडरल बैंक ही दिखाई देगा। क्लियर? और इसका टैगलाइन क्या है, यू आर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। क्लियर? इसकी टैगलाइन क्या आ जाती है, यू आर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। क्लियर हुए सभी को ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ? और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ई पेमेंट कंपनी, क्लियर, विच ई पेमेंट कंपनी पार्टनर्ड विद LIC, कौन सी ई पेमेंट कंपनी ने पार्टनरशिप करी है LIC के साथ अप्रैल 2021 में फॉर फैसिलिटेटिंग डिजिटल पेमेंट सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑफ LIC। क्लियर? कौन सी ई पेमेंट कंपनी ने पार्टनरशिप करी है LIC के साथ फॉर फैसिलिटेटिंग डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, किसके लिए, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फॉर द कस्टमर्स ऑफ LIC। क्लियर? LIC बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आपके स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शन है, पेपल, Amazon, Paytm, रेजर पे, गूगल पे। तो इसका आंसर क्या आएगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे कि दिखाई दे रहा है, Paytm। क्लियर? सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड Paytm टू कैरी आउट इट्स डिजिटल ट्रांजेक्शन। This partnership will satisfy the increasing demand for digital payment. Paytm will provide an easy payment process, a broader range of payment options to the customers of LIC. Clear? Basically, LIC ने Paytm के साथ partnership करी है for digital transactions. Basically, for providing digital ways to its customers. Paytm के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, Paytm के CEO कौन है,
विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहां पर आ जाता है, नोएडा उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो आज के सेशन में हम 6 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ कुछ और बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स लेकर आएंगे अल्टरनेट डेज के ऊपर। कभी हमको टॉपिक, कभी हम क्वेश्चन आप लोगों के साथ कॉन्टिन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे। तो वाई जो नॉलेजिस्ट है जो आपको ये सेशंस प्रोवाइड कर रहा है, वाई टू ज्वाइन अ नॉलेजिस्ट। क्लियर। बेसिकली हम आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, नॉलेजिस्ट की एंड्रॉयड ऐप है वहां पर हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। मंथली आपको आरबीआई सर्कुलर गिस्ट और बैंकिंग अफेयर्स, आपको जो आरबीआई सर्कुलर गिस्ट है कॉन्टिन्यूसली यूट्यूब पर अपलोड होते रहते हैं, और इसके जो पीडीएफ है वो आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड मिलते हैं कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पर। बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस लगती है, आपका बैंकिंग प्रोफेशनल नॉलेज भी कवर करा जाता है, और इसका असेस सिर्फ मेंबर्स को होता है वीडियोस और क्लासेस का। और आपको जो हमारी बुक्स है उनके लिए भी असेस मिल जाएगा। आप ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेजेंटली हमारे 9.34 सब्सक्राइबर्स है, मोर देन 630 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब ऐप, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जर्नलिस्ट ऑफिसर, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कॉरपोरेशन बैंक, आईबीपीएस, आरआरबी, स्केल 2, स्केल 3 एंड ऑल लेटरल बैंक एग्जाम कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट। यू कैन विजिट अवर वेबसाइट knowledgist.in फॉर ऑल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज अपडेट। बेसिकली व्हाई टू ज्वाइन, बेसिकली वी विल प्रोवाइड यू एवरी डे 2 live sessions basically after your like all of you are working in the banking sector. So basically evening के time हम आपको 8:30 के बाद सभी lectures provide करेंगे। हम आपको study material भी provide करेंगे। आपको test series के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। आपको last year questions and 40+ mock tests भी हम provide करेंगे। Clear? So thanks to all of you for watching this video and kindly subscribe our YouTube channel Knowledgist and visit our website for all updates. Join our Telegram group Knowledgist for all updates for all study affairs, and you can press our like. You can like our Facebook page Knowledgist. Thanks to all of you for watching this video.